तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है मुंबई से, जहां पर यहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये प्लान कर रही है कि जो करंट म्युनिसिपल मार्केट है बोरिवली के अंदर, इसको कन्वर्ट किया जाए एक 19 फ्लोर के बिल्डिंग के अंदर, जहां पर वो 3 लाख स्क्वायर फीट और स्पेस को डेवलप कर सके और इस बिल्डिंग को एज अ ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये कोई ऐसे फाइनलाइज प्लान नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें मिला है जो कि सीधा गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा है। यहाँ पर कहा गया है कि वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर यहां पर बनाने के लिए, जहां पर 6000 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर मार्केट को बनाया जा सकेगा। और बेसिकली यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मार्केट होगा, यहां पर जो है होमलेस लोगों के लिए शेल्टर, बीएमसी स्टाफ क्वार्टर्स, ऑफिसेस, पार्किंग, कमर्शियल स्पेसेस, इन सब चीज़ों को कंबाइन किया जाएगा। और ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज मार्केट है, इसको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा एक बेहतर तरीके से। अभी ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में मिलकर काम होगा। लेकिन अगर ये चीज़ कर दी जाती है तो एक 19 फ्लोर का मार्केट हमें देखने मिलेगा मुंबई के अंदर, जो सरकार ने बनाया हो। अगली दोस्तों खबर आ रही है सज्जन जिंदाल JSW ग्रुप से रिलेटेड, जो अप्रूवल पा चुके हैं CMO ओडिशा के द्वारा। और ये जो अप्रूवल है वो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ओडिशा के अंदर। तो 40,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 11,000 जॉब्स इसके जरिए क्रिएट होगी। ओडिशा के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का ये पहला मेजर प्रोजेक्ट है। और वैसे दोस्तों JSW ग्रुप जो है वो ओडिशा के अंदर एक्टिव है, स्टील के अंदर इनके बड़े काम है, माइनिंग रिलेटेड जो बाकी सप्लाई चेन होती है उसमें इनके इंपॉर्टेंट काम है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब बिड्स इनवाइट कर दी है फूला पोखारी डेपो के लिए। तो दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो के जो पहले टेंडर्स थे एक्चुअल लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए, वो पहले ही अनाउंस हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी। अब ऑब्वियसली डेपो लग गया मेट्रो को, तो ट्रेन स्टेबलिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाने के लिए 16 हेक्टर का पार्सल जो है वो फूला पोखरी के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है। और इसके लिए अभी कंपनीज जो है बिड्स लगाएगी। यहाँ पर बेसिकली यूनिक थोड़ा ये स्टेशन होने वाला है, जहाँ पर कुछ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी, इंस्पेक्शन सेट्स लगाए जाएंगे और यहाँ पर फाउंडेशन पेट्स, ग्रेट स्लैब, RCC, कॉलम्स, बीम्स, सब चीज़ें बनाने का बिल्ड ये किया गया। अब देखते हैं कौन सी कंपनीज यहाँ पर इसके लिए बोली लगाती है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अयोध्या से, जहाँ पर आप जानते हो कि टूरिस्ट इनफ्लो और पिलग्रिम इनफ्लो बहुत ही बड़े नंबर पे पहुँचने वाला है बहुत जल्द। और इसी को देखते हुए NHAI प्लान कर रही है एक 67.57 किलोमीटर का बाईपास रूट बनाने के लिए अहमदाबाद शहर से बगल से होते हुए। बेसिकली जो लोग अयोध्या नहीं जाना चाहते, जो हैवी ट्रैफिक स्पेशली है, जो अयोध्या को बाईपास करना चाहता है, वो अभी के डेट में अगर अयोध्या में से जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको ये जो इंपॉर्टेंट और बड़ा टूरिस्ट इनफ्लो आ रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे स्लो डाउन होगा। बाईपास जो इन चीज़ों को सॉल्व करेगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, और जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये सजेशन दिया गया है, प्रोबेबली इसे गतिशक्ति के अंतर्गत ही कर दिया जाएगा जाकर तेजी से हो। अगली खबर दोस्तों मध्य प्रदेश के CMC जिन्होंने कहा है कि IIT इंदौर उज्जैन के अंदर एक सैटेलाइट कैंपस बनाएगी और इसके लिए उनको अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो दोस्तों बेसिकली IIT इंदौर के अंदर के जो स्टाफ है, जो यहाँ के अलग अलग फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी जो है ये काइंड ऑफ मिलकर काम करेंगे। मेन कैंपस IIT का इंदौर में ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच फील्ड्स होती है मेन IIT की फील्ड छोड़ के जो IIT के अंदर हो जाती है, यूनियन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको उज्जैन में कराया जाएगा। स्टाफ ऑब्वियसली यहाँ पे जाके भी पढ़ाएगा टाइम पे टाइम, आप जैसे बोलते हो विजिटिंग प्रोफेसर होते हैं वैसी चीज़ें भी यहाँ पर होगी। और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई IIT की सैटेलाइट ब्रांचेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये अब मध्य प्रदेश में हो रहा है और उज्जैन जैसे शहर को ये बहुत बेनिफिट करेगी। अगली खबर दोस्तों रही बेंगलुरु से, जहाँ पर 73.03 किलोमीटर लंबा पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट, इसको रीनेम किया गया है एज बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर और फाइनलाइज इसको कर दिया गया है 27,000 करोड़ रुपए के कॉस्ट के साथ में। और कहा गया कि जल्द ही इसके लिए टेंडर्स इनवाइट कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने प्री टेंडर स्क्रूटनी कमेटी को थर्सडे को ये काम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी कि अब ये कमेटी के रिसर्च के बाद में देखने को मिलेगा हमें बिड्स बाहर आते हुए, बिड्स लगाने के लिए टेंडर बाहर आते हुए, और कंपनीज बाद में बिडिंग करेंगी। वैसे दोस्तों 18 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात चल रही है, अब होपफुली ये काम जो है तेजी से होगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो लोरेम इप्सम सतीश पूछते हैं, Why all major infra projects are running late or in delays in Maharashtra like WDFC, MAHESR, DME, Mumbai Metro?
तो देखो महाराष्ट्र के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो दूसरे स्टेट्स के अंदर इतने ज़्यादा नहीं आते। बहुत समय तक जो है रीजंस पॉलिटिकल थे, जहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ के स्टेट के कानून भी कुछ ऐसे है कि जिनकी ज़मीन है ये कहीं ना कहीं पर अक्वायर करने के तरीके जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, और साथ साथ जो है जो ज़मीन मालिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है। और ऑब्वियसली महाराष्ट्र के अंदर ज़मीनों की कीमतें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सिटी टू सिटी बेल्ट को अगर हम काउंट करें, जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए जो मुंबई के साइड वाला बेल्ट हो गया बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, यहाँ पर डब्ल्यूडीएफसी के लिए जेएनपीटी का जो बेल्ट हो गया वो हिस्सा, ये सब जो लैंड्स है इनको अक्वायर करना बहुत एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट को इसके लिए मल्टीपल टाइम ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं और वैल्यूएबल लैंड लोग ऑब्वियसली जल्दी देते नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को एक्वायर करने के लिए आने वाले पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इश्यूज़ मेजर रीजन नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र में टेरेन भी डिफिकल्ट है। सह्याद्री रेंज या वेस्टर्न घाट्स का जो रेंज है वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े ऐसे समस्या से गुजरता है जहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लैश होते हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली वेस्टर्न भाग के अंदर मानसून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आप ऐसे मान के चल सकती हो कि कई बार जो अर्थवर्क का काम होता है, फाउंडेशन का काम होता है, ये चीजें बारिश के टाइम पे आप ऑलमोस्ट कर ही नहीं सकते। और ये टेरेन वेदर या पर चट्टान जो भी है वो ज्यादा कड़ी है, फर्म है, चूना पत्थर या बसॉल्ट रॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और ये कई प्रोसेसेस को और स्लो बनाती है। तो ये एक मिक्सचर है, मे बी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये रीजंस जो है आप इसको एज बेसिक रीजंस समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। न्यूज़ अगर सबमिट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी न्यूज़ सबमिट करने के लिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में।